हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि IPA यानी इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज में आती है, वहाँ से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन में ही होम पेज पे रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट ऑफ IPA की एक लिंक मिल जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स ओपन होकर आ जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं एन एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर प्लीज क्लिक हियर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF फाइल ओपन होकर आ जाएगी। मैंने ये PDF फाइल डाउनलोड कर लिया है, तो ये देखते हैं कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NHMC लोथल गुजरात के लिए वैकेंसी है। तो पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले पोस्ट है आपका यहाँ पर जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स में है, वन वैकेंसी है। यहाँ पर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल की जाएगी एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो यहाँ पर रहने वाला है 5 ईयर्स का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 8 ईयर का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है। रेमुनेशन की बात करें तो यहाँ पर CTC रेंज में 35 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जनरल मैनेजर में यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी मांगा गया है, या आप BTech सिविल इंजीनियरिंग में हैं, या M.Plan है, या M.Tech सिविल इंजीनियरिंग में, या मास्टर इन आर्कियोलॉजी में हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कम से कम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ लार्ज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स स्ट्रक्चर लाइक लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग, लार्ज एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूजियम, साइंस सेंटर में, एयरपोर्ट्स में इत्यादि में। साथ ही 3 इयर्स तक आपका पोजीशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका मैनेजर फिनांस में, वन वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपका टोटल 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है एंड यहाँ पर CTC रेंज में 20 लाख पर ईयर की सैलरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप CA या MBA फिनांस में है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ फिनेंशियल मैनेजर। प्रेफरेंस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, म्यूजियम एंड साइंस सेंटर से दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट आपका कंजर्वेटर के लिए, वन वैकेंसी है। यहाँ पर भी 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। रेमुनेशन आपको 15 लाख पर ईयर यहाँ पर मिलेगी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है कंजर्वेशन में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है केमिस्ट्री में, साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कंजर्वेशन ऑफ आर्ट में जो कि ऑब्जेक्ट फ्रॉम NRLC में होना चाहिए, या आपके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ सिमिलर रिप्यूट या डिग्री इन कंजर्वेशन में ऑफ एंटिक्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट ऑफ द एंटिक वैल्यू फ्रॉम नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन ऑफ सिमिलर रिप्यूट एंड दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एंटिक में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंजर्वेशन में होना चाहिए। साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एज अ कंजर्वेटर इन अ म्यूजियम ऑफ रिप्यूट डीलिंग विद कंजर्वेशन ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट और एंटिटी ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ वर्किंग इन कंजर्वेटर इन हेरिटेज सेक्टर में मांगा गया है। साथ ही आपके पास कंप्यूटर स्किल भी होना चाहिए, साथ में डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है कलेक्शन मैनेजमेंट ऑफ ए म्यूजियम या इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपका GM एंड जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, वन वैकेंसी है। यहाँ पर भी 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। यहाँ पर CTC रेंज में आपको 35 लाख पर ईयर सैलरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर BE मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, या अगर आपके पास मास्टर इन साइंस में है या आर्ट्स में है या कॉमर्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 15 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ मार्केटिंग मैनेजर। यहाँ पर प्रेफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, म्यूजियम इन साइंस सिटी के लिए यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट पोस्ट आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजर के लिए वन वैकेंसी है, या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। सीटीसी रेंज में 20 लाख पर ईयर सैलरी यहाँ पर मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या एमटेक कंप्यूटर साइंस में है, अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है या पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है या पीजी डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है कंप्यूटर साइंस में आईटी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आईटी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास मास्टर डिग्री फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में है, ऑपरेशन रिसर्च में, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहां पर पीजी डिप्लोमा आईटी में, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द रिलेटेड फील्ड विद लार्ज स्केल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज में। नेक्स्ट पोस्ट आपका मार्केटिंग मैनेजर के लिए वन वैकेंसी है, यहाँ पर भी मैक्सिमम 8 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। 20 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। बी मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, साथ ही मास्टर डिग्री साइंस में है या आर्ट्स में या कॉमर्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड 10 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए मार्केटिंग मैनेजर में। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, म्यूजियम, साइंस सिटी, लार्ज स्केल इवेंट मैनेजमेंट है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट भी 5% ऑन द सीटीसी पर होगा, यानी पर ईयर आपका 5% का इंक्रीमेंट भी होगा। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इनिशियली अहमदाबाद में आपका यहाँ पोस्टिंग होने वाला है, जो कि लोथल एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में होने वाला है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक प्लेन पेपर पे अपने सीवी के साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर दिस एड्रेस पर फोटोग्राफ, साथ में पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ को भी उसमें सेंड करना है सीवी के साथ में, जिनमें एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना है। एड्रेस देख लेते हैं, यहाँ पर आपको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर NHMC IPA फर्स्ट फ्लोर साउथ टावर NBCC प्लेस भीष्म पितामह मार्ग लोधी रोड न्यू दिल्ली 11003 पे 24 जून 2022 से पहले पहले एक प्लेन पेपर में अपने अपनी सीवी के साथ में सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को फोटोग्राफ के साथ में आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।